गुजरात में पहले चरण का मतदान संपन्न। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के लिए अहमदाबाद में नरोड़ा से चांदखेड़ा तक मेगा रोड शो किया और अहमदाबाद वासियों से अभिवादन लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब बीजेपी ने विधानसभा के दूसरे चरण में वोटरों को रिझाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अहमदाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद शहर में एक भव्य मेगा रोड शो आयोजित किया गया। नरोड़ा से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो पहले शहर के कृष्णा नगर से हीरावाड़ी होते हुए श्याम शिखर पहुंचा। पीएम ने श्याम शिखर चौराहे स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहां से मोदी का रोड शो बापूनगर 4 रास्ता होते हुए अपने निर्धारित मार्ग पर निकलकर अनुपम ब्रिज पहुंचा, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद काफिला आगे बढ़ा और शिवराज के 4 रास्तों से होते हुए अखबार नगर और फिर व्यासवाड़ी पहुंचा। यहां से आरटीओ सर्किल पहुंचे, जहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। फिर आरटीओ सर्किल से चांदखेड़ा पहुंचे, जहां यह रोड शो संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री के आगमन के बाद घाट लोडिया के प्रभात चौक में सार्वजनिक सड़क पर बीजेपी मतलब भरोसा नाम से एक विशाल रंगोली बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो के जरिए अहमदाबाद शहर की 14 विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों ओर अहमदाबाद वासियों की भारी भीड़ देखी गई। लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित थे। इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाए गए और हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अन्य इलाके में पहुंचा तो उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों की कतारें लग गई। कुछ लोग पीएम मोदी की कार के सामने भी आ गए, जिससे एसपीजी जवानों को भारी किल्लत से हटाना पड़ा। इसके अलावा पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एम्बुलेंस के लिए प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। आखिर में एम्बुलेंस के गुजरने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा। लोग पीएम की एक झलक पाने को बेताब दिखे। मोदी जाओ, मोदी साहेब आवे, बीजा कोई नु काम ज नथी। नहीं, मोदी भाई, मोदी खास करीने जे राष्ट्रना जे प्रधान सेवकनी जे एमने छाप उभी करी छे, ए प्रजानो जन अभिवादन झीलवा माटे आजे जारे गुजरातना चूंटणी प्रचारमां खास करीने एक रोल मॉडल तरीके उपसी आव्या त्यारे सब पब्लिक एमनी एक झलक जोवा माटे आतुर छे। अने જ્યારે આપણા ગુજરાતના જ હોય તે ગુજરાતી તરીકે અમને આજે નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે રોડ શો કરવા જ્યારે નીકળ્યા હોય અને જ્યારે અમારું અભિવાદન જ્યારે ઝીલવા નીકળ્યા હોય તો એક મુસ્લિમ સમાજ તરફથી હું એને આવકારું છું। અને ખાસ કરીને જે અમદાવાદની જે શાંતિ સલામતી અને કોમી સૌહાર્દ જે છેલ્લા 15-20 વર્ષથી શહેરમાં શાંતિ અને સલામતીને જ્યારે અમનનો માહોલ છે તો અમને કહેતા આનંદ થાય છે કે આવા ગુજરાત એક ગરવા ગુજરાતી તરીકે અમે ગર્વથી અનુભવીએ છીએ। અને ખાસ કરીને આવનારા જે 5 તારીખે જે મતદાન થવાનું છે એ મુસ્લિમ સમાજ પર જંગી મતદાન કરીને જેમણે શાંતિ અને સલામતી જે કાયમ રાખી છે એમને ચોક્કસપણે અચૂક મતદાન કરશે એવું મને લાગી રહ્યું છે। અરે બહુ સરસ થવાની છે નરેન્દ્ર મોદી, હા એ તો મોદી જે સરસ શ્રેષ્ઠ કામ કરશે એને જ મળશે, અને બધાની આશા એ છે કે મોદીજીને મળે, પછી એ તો નવ પરિણામ જોઈ લઈશું। મોદી મોદી, એના મમ્મી વિનીતા ચિતાનિયા, મોદી સાહેબ આવશે। તારાબેન રાવલ, મમતીપુરથી, રોડ શો જોવા આવ્યા છે અમે। અમારી જીત બીજેપીની જીત 100%। મોદીને ચાહીએ છે બધા, અને મોદી જોઈએ રાજકારણમાં જે જેટલું કરે છે એટલું ઓછું છે। એ ઘર બાદ છોડીને પોતાનો વિચાર કરી 24 કલાક આપણા ભાજપ સરકારે ઉત્સાહિત કર્યું છે, લોકડાઉનમાં બી એટલું બલિદાન આપ્યું છે, એને ઘરે ઘરે પોતાના અનાજ પાણી બધું પહોંચતું કર્યું છે। નરેશ ચાંદુમલ લખપતિ, અમદાવાદના।
અહીંયાના વોર્ડના જ છું. અમે ગોમતીપુર વોર્ડમાંથી આવ્યા છીએ. સાહેબે વિકાસ બહુ કર્યો છે.